इस बाइक का सबसे पहले हम एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे सारी। और ये मैं हॉर्न कर लेता हूँ। आप लोग बताओ कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट साउंड। सो दोस्तों, ये रही बजाज की पल्सर 220F, जो कि एक लीजेंड बाइक है, आज जिसका मैं डिटेल से रिव्यू देने वाला हूं। और आप लोग बता देता हूं, ये नया कलर है, शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। और ये बाइक कुछ दिनों बाद डिसकंटिन्यू हो रही है, सो आपको मिलेगी नहीं। अभी ये 1 मंथ के आसपास तक आपको ये बाइक मिल जाएगी शोरूम पर, उसके बाद नहीं मिलने वाली है, शायद कहीं कहीं पर अभी ना भी मिल रही हों। सो इस बाइक के बारे में हम जानेंगे क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसके कुछ खास फीचर्स हैं, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूं। क्योंकि ये डिसकंटिन्यू होने वाली है, सो इसका वीडियो बनता है। सो हम जानते हैं इस बाइक के बारे में अच्छे से, इसमें आपको क्या क्या कुछ खास मिल जाता है अदर बाइकों से। इस बाइक का लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा जो कि मुझे बहुत पसंद है, अगर आप कंपेयर करोगे 250F से और इसका, तो मुझे इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग किसका अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,49,000, जो कि यहाँ का प्राइस है मुंबई का। मैं इस शोरूम का एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग बात कर लेना। ये प्राइस मैं जो बता रहा हूँ, ये विद एसेसरीज बता रहा हूँ, जैसे हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर और जो भी जेनुइन एसेसरीज होती है, जैसे लेग गार्ड, वो सब कुछ आपको साथ में मिलने वाली हैं। और ये जल्द से जल्द जाके आप लोग बुकिंग कर दो, नहीं तो आपको थोड़े दिन बाद नहीं मिलने वाले। 10 से 15 डे के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मैंने बात की है, कोई भी आपको चाहिए 220 अब तो यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके बाद तो मुझे लगता है 1 मंथ बाद तो कहीं भी किसी शोरूम में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सबसे पहले हम इस बाइक के फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। इस बाइक का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको ट्विन हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, साइड साइड में आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं। और ये वाला डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो यहाँ पर आपको नेट की फिनिशिंग देखने को मिलती है। इंडिकेटर की बात करें तो आपको बल्ब मिल जाएंगे। और अभी हम इसकी हेडलाइट ऑन करके देख लेते हैं, उसके लिए हमें इंजन भी ऑन करना पड़ेगा, सो हम वो भी ऑन कर लेते हैं। और ये रिक्यूल स्विच एंड सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हम बाइक को, काफ़ी प्यारी आवाज़ है, आगे मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाने वाला हूँ। सो ये फ्रंट से ऑन होने के बाद कुछ ऐसी दिखने वाली है। और हाई बीम भी ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हाई बीम, कुछ ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे आपको ये पासिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और इंडिकेटर मैं दिखा देता हूँ, ये इंडिकेटर ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। और इसके टेल वाले सेक्शन की बात करें तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। ये रहा टेल लैम्प, जो कि आपको LED मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा टिपिकल स्टाइल में, जैसे आपको हमेशा से पल्सर सीरीज़ में देखने को मिलता है वैसे कुछ आपको मिलेगा। ये रहा रियर का इंडिकेटर। सो अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं, नाउ किल स्विच एंड की से। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के फ्रंट की तरफ। और आपको इसमें एक विंडशील्ड मिल जाएगा, जो कि आपको पहले से मिलती आ रही है 220F में। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये जो स्टिकर हैं, थोड़े से हल्के से काफ़ी प्यारे से लगते हैं, आप देख ही रहे हों। और ख़ासकर ये ब्लू कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर से भी आपको सेम स्टिकर वर्क मिल जाते हैं। और इसके मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जो कि इस बाइक को थोड़ा प्रीमियम लुक दे रही है। और यहाँ की बात करें तो ये वाला आपको सिंपल सा ब्लैक कलर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मड फ्लैग का डिज़ाइन भी मिल जाएगा। और अभी हम इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। और रियर की बात करें तो रियर का ये रहा, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको 5 स्टेप्स एडजस्टेबल नाइट्रोक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात रहने वाली है इस बाइक के लिए। आप अपने हाइट के हिसाब से या जैसे आपको राइड करनी है वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। इसके टायर की बात करें तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो आपको MRF ब्रांड का टायर मिलने वाला है। फ्रंट में आपको साइज मिल जाएगी 90x90 सेक्शन की। और रियर का पहले हम देख लेते हैं, ये रहा रियर का टायर। रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर टायर साइज मिल जाएगा, 120x80। और कहीं कहीं वेबसाइट पे तो मेंशन किया गया है रेडियल टायर, लेकिन ये रेडियल टायर नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। इसके व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिल जाएगी, जिसकी साइज़ आपको फ्रंट एंड रियर में सेम ही मिलने वाले, 17 इंच। लेकिन व्हील पे आप देख सकते हो आपको ब्लू कलर का स्टीकर वर्क देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ख़ासकर इसके ग्राफिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करा, जो कि आप देख ही सकते हो। और इसमें ब्रेकिंग की बात करें तो आपको डुअल डिस्क मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगी 280mm की, और रियर में आपको मिल 230mm का। और साथ में आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS, जो कि देखा जाए तो ब्रेकिंग सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही जरूरी है आजकल के टाइम पे। और रिफ्लेक्टर आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे। ब्रेक कैलिपर आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। और यहाँ की बात करें तो ये रहा आपका कैटलेटिक कन्वर्टर, जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं। और ये रहा है इसका इंजन काउल, जो कि कुछ ऐसे दिखता है, बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आता है। खासकर मुझे ये स्टिकर वर्क अच्छा लगा, ब्लू एंड ऐसा कुछ जो दिख रहा है आपको। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल जाएगा
जगह प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये रहा आपका रेडिएटर, इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। और हॉर्न ये आपका रहा, और ये रहा इस बाइक का इंजन, ऐसे कुछ दिखने वाला है, फुल ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। और अभी हम सबसे पहले इसके इंजन की बात कर ही लेते हैं। इसमें आपको 220cc का इंजन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको पावर मिलने वाले 20.4 पीएस एट 8500 आरपीएम, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 18.55 न्यूटन मीटर एट 7000 आरपीएम। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वॉल्व, ऑयल कूल्ड, और साथ में FI विद आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है इस बाइक के लिए। और यहाँ की बात करें तो ये आपका हो गया राइडर फुटरेस, ये आपका ब्रेक पैड, और ये एरिया कुछ ऐसे दिखने वाला है। यहाँ पे पूरा ग्लोसी फिनिश पे मिलेगा, लेकिन ऐसा कार्बन फाइबर फिनिश जैसा डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन सब स्टिकर वर्क के साथ में आता है, ये सब फाइबर वर्क है। एंड नेट जैसी डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये रहा आपका प्लेन राइडर फुटरेस जो कि फोल्डेबल है। ये रहा इसका एग्जॉस्ट, जो कि इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी कड़क है, ये मैं आपको सुना दूंगा। और यहाँ की बात करें, आपको अलग सा कवर दिया गया ताकि बाई चांस पैर आए तो मतलब जले ना, और यहाँ पे भी एक अलग सा फुटरेस दिया गया है, काफ़ी ध्यान रखा है बजाज ने। और सीट कॉल की बात करें तो आपको कुछ ऐसा सीट कॉल का डिज़ाइन मिल जाएगा, 220F की ब्रांडिंग जो कि इसका फ्रंट का स्टाइल है वो चेंज किया गया है। एंड ब्लू कलर के स्टीकर ऐसे कुछ दिखने वाले हैं, यहाँ तक स्टीकर वर्क आपको मिल जाता है। और अभी हम इसके टैंक की बात कर लेते हैं। ये रहा इसका टैंक कॉल जो कि आप देख रहे हो, बहुत ही आई कैची डिज़ाइन के साथ में आता है। ये नेट का डिज़ाइन साथ में ये स्टीकर वर्क आप देख सकते हूँ, ये कुछ ऐसे दिखने वाली है इधर से बाइक। और टैंक की बात करें तो यार आपको मेटल वर्क के साथ में आता है, बाकी ये जो आपका टैंक काउल है ये फाइबर वर्क के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 3D में लोगो मिल जाएगा सिल्वर कलर के साथ में जो कि बहुत ही कड़क दिखता है। और स्टिकर वर्क आप देख ही सकते हो, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये रहा इस बाइक का फुल व्यू, ये बाइक दूर से कुछ ऐसे दिखने वाली है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है बाइक दूर से। और रोड पे देखो तो पूछो ही मत, ये हाईवे किंग इसे लोग बोलते हैं। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के रियर साइड में, और रियर वाले एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा इस बाइक का रियर का व्यू। रियर में आपको टेल लैंप मिल जाएगी जो कि LED है, मैंने ऑन करके आपको दिखा दिया। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट, और ये रहा रियर का मडगार्ड, और रियर के इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखने वाले। अभी हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। ये रहा इस बाइक का रियर का व्यू, यहाँ पे आपको 220F की ब्रांडिंग जैसे हमने उधर देखा था, एंड सेम स्टीकर वर्क आपको मिल जाएगा। और ये रहा सारी गार्ड, यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट शायद अब जब आप डिलीवरी लोगे तब आपको लगा के मिल जाएगा। ये रही इसकी चैन ड्राइव, ऐसे कुछ दिखने वाली है। और पिलर राइडर फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट, गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है, एक आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर की तरफ लगने वाले हैं। और यहाँ का डिज़ाइन आपको सेम वैसे मिल जाएगा जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। ये रहा इंजन इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये रहा इंजन काउल, ये इधर भी आपको हॉर्न मिल जाता है, आपको डुअल हॉर्न इसमें मिलने वाला, एक उधर एक इधर। और इधर की बात करें तो ये इधर से कुछ ऐसे दिखने वाले जैसे हमने उधर स्टीकर वर्क देखा था, एंड डिज़ाइन वैसे कुछ आपको मिल जाएगा, पल्सर लिखा हुआ 3D में। और ये रहा इधर का व्यू, ये रहा इस बाइक का फुल व्यू, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी जैसे पहले मिलती थी वैसे ही है। और इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, इसे आप हाईवे या सिटी कहीं भी चलाओगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिलियन राइडर को ओके टाइप का कंफर्ट मिलेगा, ज़्यादातर प्रॉब्लम कब होगी जब आप लॉन्ग राइड करोगे, तो सिटी राइड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको ग्रैब रेल मिल जाएंगे जो कि आप देख ही सकते हो। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के टैंक पे, जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। और इस बाइक की हाईलाइट है इस बाइक की फेयरिंग, जो कि मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, कोई भी देखेगा तो एक बार मुड़ के ज़रूर देखने वाला है इस बाइक को। और यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाता है, और ये आपको मेटल वर्क के साथ में मिलेगा टैंक, बाकी ये साइड साइड में जो फेयरिंग है ये फाइबर वर्क है, सब बाइकों में ऐसे रहता है। इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और इसकी माइलेज आपको अप्रोक्स मिलने वाले 35 टू 45 के आसपास आपको इस बाइक की माइलेज आराम से मिल जाएगी, बाकी तो डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। अभी हम चलते हैं इसके मीटर कंसोल पे। सो अभी हम ये भी ऑन करके देख लेते हैं, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, ये आपके इंडिकेटर बताएंगे, इंजन ऑयल, इंजन मालफंक्शन लाइट, टेम्परेचर एंड RPM लिमिट। और इसकी बात करें यहाँ पे आपका स्पीड का बताएगा, इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी आपका माइलेज भी बताएगा, और यहाँ पे कितना किलोमीटर बाइक चली यही बताएगा, और यही सब आपके मिलने वाले फ्यूल का यहाँ पे आपका मिल जाएगा। सो ये कुछ आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एंड सेट एंड रिसेट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेटर, न्यूट्रल, अपर, डिपर, ये ABS की लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ध्यान से देखो तो आपको साइड में आपको कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा प्रीमियम बनाती है इस बाइक को। और अभी हम इसके हैंडल बार की बात कर लेते हैं। ये रहा थ्रॉटल, ब्रेक लीवर, केल स्विच। मुझे इस बजाज
कंपनी का डिटेल वर्क बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको इंडिकेट करने के लिए एक लाइट दे दी गई, ऐसा मार्क भी बना दिया है जो कि जब बाइक ऑन होने के बाद जलती रहती है, जो कि एक यूजफुल अपडेट है इनका। और इसके रेसिंग हैंडल बार की बात करें तो आपको क्लिप एंड हैंडल बार मिलने वाला है, जो कि इस बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और इधर के स्विचेस की बात करें, यहाँ पर आपको अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, इसलिए आपको अच्छा खासा लाउड हॉर्न मिलने वाला है। और ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। और मिरर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिरर मिल जाएंगे, मैं सामने से भी दिखा देता हूँ, ये रहा सामने का व्यू। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन की। आपको लेंथ मिल जाएगी 2035 mm, विड्थ आपको मिलने वाले है 750 mm, और इसकी हाइट आपको मिल जाएगी 1165 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है 165 mm, व्हील बेस आपको मिल जाएगी 1350 mm, और इस बाइक की वेट की बात करें तो आपको मिलने वाला है 160 kg। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, चार तो आपको मैट में आते थे और ग्लोसी में भी शायद चार ही आए हैं। सो ये नया कलर है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देखा होगा अभी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मैं बता देता हूं कि ये बाइक आई थिंक डिसकंटिन्यू हो चुकी है, कहीं कहीं पे आपको शोरूम में देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे नहीं मिलेगी। और यहां पे जहां पे मैं शूट कर रहा हूं यहां पे आपको मिल जाएगी आई थिंक 10-15 डे के अंदर अगर आप लोग बुक करते हो तो। और अभी हम जान लेते हैं 220F की कुछ खास बातें। सो पहले बता दूँ इस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा है, इस बाइक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, साथ में इस बाइक का माइलेज भी बहुत अच्छा है अगर कंपेयर किया जाए अदर 200cc की बाइकों से। तो इसमें आपको सब कुछ बेस्ट इन क्लास मिलने वाला है। और इस बाइक को आप रगड़ तरीके से चला सकते हो, मतलब अगर आप इसे डेली लाइफ में भी आप चलाते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये कुछ ऐसी बाइक है, और हाईवे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो देखा जाए तो अगर आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए, लुक वाली अच्छी बाइक चाहिए, साथ में परफॉर्मेंस वाली अच्छी बाइक चाहिए, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा था आप लोगों के लिए। लेकिन अभी ये ऑप्शन नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 1 मंथ के आसपास तक आपको शोरूम पे मिल जाएगी या कहीं भी, उसके बाद शायद नहीं मिलने वाली है, कहीं कहीं तो अभी भी आपको नहीं मिलने वाली है बाइक। और इस बाइक की प्राइस की बात करें तो आपको ऑन रोड पड़ने वाली है 1,49,000 विद एसेसरीज, जिसमें आपको पार्किंग कवर, सीट कवर, हेलमेट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगी। सो अगर आपको ये बाइक चाहिए, अगर आप लोग मुंबई से हो तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, साथ में एड्रेस भी दे दूंगा, और आप लोग कमेंट करके बताओ इसका और 250F का कंपेरिजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिसको जिसको चाहिए आप लोग कमेंट करो, तो मैं ज़रूर इसका और उसका कंपेरिजन करके आपको एक डिटेल रिव्यू दे दूंगा, ताकि आप लोग समझ में, भले ये बाइक रहे ना रहे, लेकिन एक आइडिया मिलेगा कि कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है अपने सेगमेंट में और कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक किसके किसके पास है, कौन कौन 220F लवर है, उनमें से मैं भी एक लवर हूँ भाई, 220F मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।